हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू नवरंगी नवरात्रि ऑन माई चैनल. आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है. आज का जो कलर है वो है ग्रीन और मैंने इस लुक को ग्रीन कलर ध्यान में रखकर ही किया है. आप इसको एक्सेसराइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. बहुत ही कंटेम्प्रेरी एंड मॉडर्न लुक है. मैं हर रोज एक नए लुक के साथ आऊंगी टिल द एंड ऑफ नवरात्रि और मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना के ऊपर आई बटन में लिंक कर दिया इन केस यू विश टू सी दोज वीडियोज. टुडेज लुक इज ऑल्सो इंस्पायर्ड विद अ फेमस इंडियन स्वीट दैट इज पिस्ता बर्फी. इंडियन स्वीट्स में ग्रीन मिठाई ढूंढना बहुत मुश्किल था. सजेस्ट मी अ फ्यू इफ यू नो सम एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल. ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. लेट्स गेट स्टार्टेड. टू प्रेप एंड प्राइम माई स्किन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ माई ग्लैम का टिंटेड प्राइमर. ये एक बहुत ही अच्छा सा टिंट भी देता है स्किन को. ऑल्सो आपके पोर्स को ब्लर आउट कर देता है. बहुत ही स्मूथ बना देता है स्किन को. नाउ टू कंसील एंड हाइड माई डार्क स्पॉट्स आई एम यूजिंग दिस ब्लू हेवन कंसीलर. क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे स्किन टोन से थोड़ा एक दो शेड डार्क है इसी वजह से मैं इसको एज अ पीच करेक्टर एज अ डार्क करेक्टर भी यूज़ करती हूँ. तो इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपने कफ्स एंड लैशेज F13 ब्रश के साथ. ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्रश फॉर ब्लेंडिंग द कंसीलर्स आउट. नाउ फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग द मिलानी कंसील एंड परफेक्ट. इसको मैंने पहले स्टैम्प कर लिया अपने फेस पर एंड नाउ आई एम ब्लेंडिंग दिस फाउंडेशन. ये फाउंडेशन फेस के लिए बहुत ही अच्छा है. बहुत ही ड्यूई बनाता है फेस को. हैवी एंड केकी भी नहीं लगता है एंड ड्राई स्किन के लिए परफेक्ट है. अगर विंटर सीजन में आप एक अच्छा फाउंडेशन ढूंढ रहे हो चेक आउट दिस मिलानी वन. नाउ फॉर कंसीलर आई एम यूजिंग द मेबलिन एज रिवाइंड कंसीलर और इससे मैं अपने अंडर आईज पे ब्रिज ऑफ द नोज पे क्यूपिड्स बो चिन एंड फोरहेड पे लगा लूंगी. एंड फाइनली उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ यूजिंग द सेम कफ्स एंड लैशेज F13 ब्रश. To set my face, I'm using this Lakme Rose Powder. इसमें sunscreen भी है. Now I really can't claim about the sunscreen part, but ये बहुत ही अच्छा powder है and regular wear में everyday wear के लिए अच्छा है काफ़ी. अपने फेस को वार्म्थ एंड डायमेंशंस देने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर. क्योंकि इसका शेड थोड़ा सा डार्क है मेरे स्किन टोन से दैट्स द रीज़न वाई आई एम यूजिंग इट एज अ ब्रॉन्जर एज वेल. आप किसी भी अपने डार्क कॉम्पैक्ट पाउडर को भी एज अ ब्रॉन्जर एंड कॉन्टोर यूज़ कर सकते हो. इससे मैं अपने चीक बोन्स एंड नोज कॉन्टोरिंग कर लूँगी. एंड फॉर माई ब्लश आई एम यूजिंग दिस लैक्मे डुओ ब्लश. इसका शेड है रोज एंड ये बहुत ही एक ब्यूटिफुल सा यू नो सनकिस लुक देता है. फॉर माई हाईलाइटर आई एम यूजिंग दिस रेवोल्यूशन प्रो इल्यूमिनेट और ये फेस को बहुत ही एक स्टनिंग सटल सा ग्लो प्रोवाइड करता है. नाउ फॉर माई आईब्राउज आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड ब्राउ पेंसिल. ये मेरी फेवरेट आईब्राउ पेंसिल है. बहुत ही अंडर द बजट इट्स अ बेस्ट आईब्राउ पेंसिल. यू शुड चेक इट आउट. आज के लुक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की कंफर्ट जोन आई शेडो पैलेट. इसमें से मैंने दोनों ही ब्राउन ट्रांजिशन शेड्स लिए हैं और उनको मैं अपने आउटर वी एच पे लगा लूँगी. ऑल्सो पुटिंग देम ऑन द क्रीज एंड लिड कलर के लिए मैं यहाँ पे ये ऑलिव ग्रीन शेड यूज़ कर रही हूँ. आई हैव केप्ट दिस लुक वेरी वेरी सॉफ्ट वेरी जेंटल. अब इस निका के लकी चार्म पैलेट में से मैं ये ग्रीन शिमरी शेड लूँगी और उसको अपने आईलेट्स पे लगा लूँगी. डार्क ब्राउन शेड को मैं अपने लो वाटर लाइन पे यूज़ कर रही हूँ. अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ शुगर का ग्रीन काजल और उससे मैं एक आईलाइनर क्रिएट कर रही हूँ. आई एम ऑल्सो यूजिंग इट एज अ काजल एज वेल. टेकिंग दिस शैम्पेन शिमरी कलर फ्रॉम द कम्फर्ट जोन पैलेट उसको मैं अपने इनर कॉर्नर पे एंड ब्राउ बोन पे एज अ हाईलाइटर यूज़ कर लूँगी. शुगर का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे एंड आप इंस्टेंटली डिफरेंस देखोगे. ये मस्कारा बहुत ही अच्छा सा एक इफेक्ट दे देता है आपके लैशेज में. फॉर द लिप्स एंड द फाइनल स्टेप आई हैव चोजन अ पिंक शेड बिकॉज ग्रीन के साथ पिंक लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है इफ़ यू सी द कलर वील. सो ये मेबलिन की क्रीमी मैट लिपस्टिक है इन द शेड मेसमराइजिंग मजेंटा एंड सी हाउ ब्यूटिफुल एंड वेल अकम्पनीड इट लुक्स विद ग्रीन. एंड हेयर इज द फाइनल लुक. आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग एंड डू लेट मी नो आपको ये लुक कैसा लगा. अगर आप इसको रिक्रिएट करते हो डू नॉट फॉरगेट टू टैग मी ऑन योर इंस्टाग्राम एज वेल. आई वुड लव टू सी योर रिक्रिएशंस. एंड नवरात्रि सीरीज में अभी और भी फन अच्छे अच्छे लुक्स आने वाले हैं. टुमारो वुड बी अ ग्रे लुक सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल. एंड नवरात्रि एंड फेस्टिव सीजन अच्छे से सेलिब्रेट करना. जाते जाते मुझे फॉलो करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम. बाय गाइज़.